आपकी नजर भारत रत्न पर है, पूरे देश की नजर भारत रत्न पर है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के हर सियासी उठक बैठक पर और उलट फेर पर नजर रखे हुए हैं। इस वक्त बोल रहा है पाकिस्तान, लौटे इमरान खान, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर 51% वोटिंग हुई है, और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 51% वोटिंग परसेंटेज रहा है, और इतने ही धमाके वहां पर हुए हैं, गिनती कर लीजिए 51 अटैक्स, टेररिस्ट अटैक वहां पर, जब चुना जा रहा था कि कौन होगा पाकिस्तान में इस वक्त गद्दी का सरताज, क्या वो पीएमएल की तरफ से चेहरा सामने आने वाला है या फिर वो होंगे पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान, या फिर नून नवाज शरीफ के साथ साथ इमरान खान के साथ साथ नजर बिलावल भुट्टो पर भी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में भारी उलटफेर हो चुका है, चुनाव के ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं कि नतीजों की वजह से पाकिस्तान में आने वाले समय में हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल जो नतीजे हैं सेना के मन मुताबिक नहीं है। अब तक जो जवाब मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवारों के हक में नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आजाद उम्मीदवार आप समझ रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की जिन्होंने इजाजत दी है इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, तो निर्दलीय मैदान में साफ तौर पर उतर आए हैं। आंकड़े क्या बता रहे हैं, 266 सीटों में 112 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, इसमें 48 सीटों पर इमरान खान के समर्थकों ने जीत दर्ज कर ली है। नवाज शरीफ की पार्टी तीसरे नंबर पर दिख रही है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल नून ने 25 सीटें अब तक जीती है, और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 30 सीटों पर जीत कर दर्ज कर रही है, 9 सीटों पर फतह हासिल करते हुए बाकी पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे सवाल उठ रहा है कि इमरान खान पर इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद, जेल की सलाखों के पीछे धकेल देने के बावजूद इतना समर्थकों का अंबार कैसे मिल रहा है, चुनाव में जीत के झंडे ये इंडिपेंडेंट एमएलए कैसे गाड़ रहे हैं। सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मसले पर बातचीत करने के लिए। आपसे तारुफ करवा देना चाहती हूं मैं, आरजू काजमी मेरी दोस्त पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, कमर चीमा साहब इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान में विश्लेषक के तौर पर एनालाइज करने के लिए अक्सर नामी गिरामी चेहरों में गिने जाते हैं। इस वक्त आपको जनरल के सिन्हा भी नजर आ रहे हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ जनरल ए के सिवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमर चीमा साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए पहला सवाल जहन में यही आता है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके के चर्चे यहाँ पर आम और खास थे वो ये थे कि भाई जो सेना चाहेगी वो होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनको बैकअप मिला हुआ है इमरान खान का, जीत के झंडे फतह के झंडे वहां पर बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, नेटवर्क का इशू है कमल चीमा साहब, आई थिंक मैं आपके पास दोबारा रुक करती हूँ। उस बीच हम लोग आपकी आवाज़ एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आवाज़ बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ रही थी। आरजू, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रही हूँ, क्या हो रहा है ये, मतलब ऐसा कैसे हो गया? हमें तो पता है कि पत्ता तक जो है वहाँ पर किसी तरह से कोई हिला नहीं सकता अगर वहाँ की सेना ना चाहे, तो फिर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैसे जीत रहे? इसमें आपको क्या लगता है कि वाकई में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत रहे हैं उसके पीछे क्या एजेंसीज नहीं है, क्या उसके पीछे आर्मी नहीं है, क्या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से सब कुछ नहीं हो रहा? हो सकता है कई लोग ये भी बात कर रहे हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ आरजू, आप बीच में आवाज गायब हो गई थी, लेकिन ठीक है मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा, मैं यही कह रही थी कि आप ये कैसे कह सकते हैं आप लोग कि ये जो कुछ हो रहा है ये एजेंसीज या आर्मी की मर्जी के बगैर हो रहा है,
ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ करवाया जा रहा हो और इस तरह से जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आएंगे बाद में उन्हें प्रेशराइज करके किसी भी दूसरी पार्टी के साथ उनको शामिल करवाया जा सकता होगा। हो सकता है नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मैसेज हो, इमरान खान तो ऑलरेडी अंदर है। आरजू ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनको सिंबल मिला है इमरान खान का, वो इमरान को धोखा देकर नवाज के पास जा सकते हैं, इसका मतलब यही है ना? बिल्कुल जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चलता है और जब प्रेशराइज किया जाता है तो यहाँ पे तो जब इमरान खान आए थे बहुत से दूसरी पार्टी के लोग आके इमरान खान से मिल गए थे, क्या उस वक्त धोखा नहीं हुआ था? कमर चीमा साहब जी, यही ये आपको भी यही होता हुआ दिख रहा है? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एस्टेब्लिशमेंट या फौज या सेना ये करवा रही है तो इंडिपेंडेंस कैसे जीत सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लोगों ने अपना फैसला सुनाया है और वो फैसला यह है कि वो इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने ज्यादा सीटें दी हैं। अभी तक की जो पोजीशन हमारे पास क्लियर है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, 63 सीट्स इंडिपेंडेंट्स के पास है, 42 पीएमएलएन है एंड 32 पीपल्स पार्टी है। अब होगा ये कि पीएमएलएन ही गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन इंडिपेंडेंट्स एंड पीपल्स पार्टी जो है वो शायद एक कोलिशन बनाए पीएमएलएन के साथ, लेकिन ये इंतहाई कमजोर हुकूमत होगी। जारी बात है ये उस तरह से फैसले नहीं ले सकेगी, ये बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले नहीं कर सकती, लेकिन ये सवाल देना, ये बात कहना कि फौज चीजें कंट्रोल करती है, इलेक्शन मैनिपुलेट करती है, इसमें सिंपल एक चीज है, अगर फौज ये कर रही है तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जीत जाए, इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतनी सीटें ले जाएं, जो कि वो और भी लेके जा सकते हैं, अभी तो 63 है, ये और भी सीटें वो लेके जा सकते हैं। सो फौज अगर कर रही होती तो ये बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है पाकिस्तान में कि फौज सारा कुछ कर रही है, फौज का अपना एक रोल। अगर मैं आरजू की बात को मानूं कमर भाई, तो वो ये कह रही हैं कि व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल, ये इसलिए पॉसिबल है कि ये बताने के लिए कि जमहूरियत का झंडा बुलंद है, इंडिपेंडेंट जीत जाए, और ये हाइपोथेटिकल है, यू नो बेटर। और फिर उसके बाद ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट एमएलए जो है, इंडिपेंडेंट चुने गए एमएलए जो हैं, या चुने गए माफ कीजिएगा रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो फिर नवाज शरीफ का साथ दे दे, सर्व्स द पर्पस ना। अगर इंडिपेंडेंट्स हार जाए तो आपने कहना है जी कि फौज ने हराए हैं, अगर इंडिपेंडेंट्स जीत जाए तो आपने कहना वो इसलिए जीते हैं ताकि लगे कि फौज बचा रही है कि इलेक्शन अच्छा हो। सो इन एवरी वे आपने अगर क्रिटिसाइज फौज को करना है तो आप जरूर करें, आपका हक है, हर बंदे का एक डेमोक्रेटिक राइट है, बट द क्वेश्चन इज कि इमरान खान एक पॉपुलर नैरेटिव पे है, तीन नैरेटिव है इमरान खान के। पहला नैरेटिव मजहब की बात करता है, ही ओवर सेल्स रिलीजन, इवन के इस्लामिक पार्टीज हार गई हैं पाकिस्तान में उसके सामने। दूसरा नैरेटिव एंटी वेस्ट, एंटी यूएस। तीसरा नैरेटिव एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और वो तीन नैरेटिव्स में काम किया, लोगों ने इसमें वोट दिए, लोगों ने उसको परफॉर्मेंस में वोट नहीं दिए, लोगों ने ये नहीं कहा कि आप जो है आपने सड़कें बनाई, पुल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, लोगों ने उसको जो वोट दिया वो तीन बातों के ऊपर दिया, और मैं समझता हूँ ये लोगों की एक ओपिनियन है। बात आपने बताई नहीं, सो फर्स्ट इज वो बहुत रिलीजियस जो है माहौल बनाते हैं, इतना रिलीजियस माहौल बनाते हैं कि जो कट्टर है वहां पर वो भी हार गए हैं इनके सामने। दूसरा आपने ये बताया कि अमेरिका के मुखालिफत करते हैं पुरजोर तरीके से, व्हाट इज द तीसरा वाला? नहीं, मैं कह रहा हूं जो मजहबी सियासी जमातें 100 साल से जो मौजूद हैं, जो इंडिपेंडेंट मजहबी जमातें हैं वो भी हार गई हैं, और 15-15 साल हो गए हैं वो इमरान खान से हार रही हैं। वजह है कि इमरान खान रिलीजियस नेशनलिज्म की बात करता है, इमरान खान एंटी यूएस की बात करता है। अब मैं दो चीजों पर इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ कमर चीमा साहब, जो आपने रखी है, आई थिंक आरजू जो है वो इसको काउंटर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दो और मेहमान यहाँ पर मौजूद है। जनरल, सबसे पहले सिन्हा साहब, जनरल सिन्हा, द क्वेश्चन इज वो कह रहे हैं कि सेना का अगर लेना देना होता तो इंडिपेंडेंट एमएलए जीत रहे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहे होते, क्या सेना का मान लीजिए वास्ता नहीं है? या फिर मैं ये कहूं कि सेना के आगे इमरान का वो सिंपैथी वाला फैक्टर इतना गजब का चल गया है कि अब सेना कुछ ना कर पा रही है। रूबिका जय हिंद। देखिए रूबिका, जो पाकिस्तान की जो चीजें आ रही हैं सबको चौंकाने वाली नहीं है, मैं इसको जरा डीप पढ़ रहा था और आपने भी इसको थोड़ा खोल कर रखा, आंकड़ों को हम लेते हैं, हम उस रेट्रोस्पेक्ट में नहीं जाते हैं जो बातें हो रही हैं। देखिए आप कह रही हैं 51% वोट हुआ है, यदि आपको
प्योरली देखें, इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ये आप मान के चलिए, इतना इतने लंबे समय में इतना बना रहना जेड के पीछे से, लोग उनके पीछे रहना, हाँ। उसकी बदलाव है, ये पाकिस्तान में एक बदलाव है। देखिए 24 करोड़ लोग हैं वहां पर, 12.8 करोड़ है वोटर्स, उसमें 7 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर हैं 18 साल के, ये कोई बात नहीं करता, और वो बात करते हैं, मोदी की तरफ देखते हैं, बांग्लादेश की तरफ देखते हैं, और वो सच्चाई को देखते हैं जिसके धरातल पे पाकिस्तान को ऊपर ले जाना चाहते हैं। इमरान खान का जो भी उन्होंने कहा है, फौज को जब चैलेंज करते हैं, जब दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं, दुनिया को चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि भारत का आप, ये केवल ही कि भारत के ऊपर वो जीत रहे हैं, वो पॉलिसी की बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है, आप सबको लेकर चलें और निकलें। तो लोग, मेरे ख्याल से जो डिफरेंस आया है 7 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स की, और उनकी संख्या इसलिए अगर है। अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझना चाहूं तो वहां इस वक्त सरकार कौन बना रहा है? जेल में मौजूद इमरान खान सरकार बना रहे हैं, नवाज शरीफ जो आए हैं इतने सालों के बाद, इतने सारे करप्शन के आरोप झेलने के बाद सेना की मदद से वो सरकार बना रहे हैं, या फिर मामला कुछ और ही होगा, कोई और ही खिचड़ी बनकर आएगी? देखिए मेरे ख्याल से सेना तो नवाज शरीफ को ही आएगी सामने, मेरा ऐसा मानना है, जो आरजू कह रही है ठीक है, मगर इंडिपेंडेंट जो आएंगे, जो अपने, क्योंकि उन्होंने भी एक पार्टी को चुनना है, जरूरी नहीं है कि पीटीआई, क्योंकि पीटीआई की असेंबल की जो बात थी वो, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर में उनके इलेक्शन का प्रोसेस है, हाँ। कि आप इंडिपेंडेंट भाई लड़ें, आपको किसी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो ये पार्टी में जुड़ जाएंगे, और देखिए ये मौके के साथ में जुड़ेंगे, मगर एक दोबारा चेंज हो गए हैं। कमर चीमा और आरजू, आप दोनों एक बार फिर से नंबर देख लीजिए और जरा कंफर्म कीजिए, इमरान के समर्थक जो कैंडिडेट्स हैं वो 55 पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, नवाज पीएमएल अगर मैं बात करूं तो 31 के आसपास है, और बिलावल की पार्टी को 34 मिल रहे हैं। हमारी टैली के मुताबिक तीसरे नंबर पर नवाज की पार्टी है, पीएमएल नून नजर आ रही है। कमर चीमा साहब, देखें जो जो इंडिपेंडेंट्स है वो रजिस्टर्ड नहीं है, सो जो पार्टी रजिस्टर्ड है वो ही कह सकती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। इंडिपेंडेंट्स का जीतना पीटीआई का जीतना नहीं कहा जा सकता, बेशक उनको पीटीआई सपोर्ट करती है या इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट इस वक्त है वो नवाज शरीफ की है, गो के इंडिपेंडेंट्स ज्यादा हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन में वो तो नवाज शरीफ की पीएमएलएन है, जो कि इस वक्त 46 के करीब पहुंच गई है, पीपल्स पार्टी जो 44 के करीब नवाज शरीफ है, 32 पे पीपल्स पार्टी है, सो वो बड़े कंफर्टेबली हुकूमत बना सकते हैं जैसे, लेकिन नंबर 170, देखिए नंबर चाहिए 172, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अभी रिजल्ट्स ही नहीं आए, ये तो बहुत थोड़े से रिजल्ट्स हैं, 250 से ऊपर तकरीबन 266 सीट्स हैं, ये तो रिजल्ट ही कोई नहीं, आज शाम तक जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती, हाँ? मुझे लगता है ये जो ज्यादातर सीट्स आई हैं ये खैबर पख्तूनख्वा से आई हैं, जहां इमरान खान का बहुत ज्यादा जोर है, अभी पंजाब से बहुत सारे रिजल्ट आने हैं, उसके बाद क्लैरिटी होगी। ओके, जनरल सिवाज कुछ कहना चाहते हैं। जनरल सिवाज, यहाँ पर कमर चीमा कह रहे हैं कि वो टैली इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, इंडिपेंडेंट को तो अभी आप रजिस्टर्ड मानिए ही मत, अभी तो उनका पता ही नहीं है कि वो कहां जाएंगे, वो नवाज के पास जाएंगे कि बिलावल के पास जाएंगे कि इमरान खान के पास जाएंगे, नो मैटर इवन इफ उन्होंने सिंबल ले लिया इमरान का। हाँ बिल्कुल, देखो रूबिका हुआ क्या है कि पूरा पलटा बदल दिया, किसी ने ये नहीं सोचा था, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो थी नहीं, जिस प्रकार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर है चेयरमैन वो भी जेल में, उनके शाह मोहम्मद कुरैशी भी, बाकी भी पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनके अगेंस्ट थी, मगर फिर भी ऐसा रिजल्ट हासिल करना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जो है अलायंस तो इनकी पीटीआई से, तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं ये दिखला दिया कि अभी भी इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, और जितनी ज़्यादा अगर वोटिंग होती जितने ही ज़्यादा सीट मिलने के चांसेस थे पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मगर ये सच्चाई है, हो तो वही गा जो पाकिस्तान आर्मी को मंजूर है, हाँ। और वो होगा क्या कि पीएमएलएन और पीपीपी को मिला के वो एक प्रकार नॉर्मल मेजोरिटी को पार कर लेंगे, नहीं होगा तो ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हो सकता है कुछ इनके साथ मिल जाए, मगर सच्चाई यह है कि किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह रिजल्ट इस प्रकार से होंगे, क्योंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे, यह पाकिस्तान में पिछली बार
इमरान खान को बहुत फायदा हुआ था, नवाज शरीफ को नहीं हुआ था, इस बार नवाज शरीफ को काफी फायदा हुआ, मगर फिर भी इमरान खान इतने पॉपुलर लीडर थे कि उसके इंडिपेंडेंट जो बैक्ड कैंडिडेट हैं वो अभी भी सबसे ज्यादा है। तो ये बात तो मान के चलना पड़ेगा कि हाँ सच्चाई ये भी है कि वो पॉलिटिकल लीडर आज के जमाने में काफी पॉपुलर है, मगर पाकिस्तान की आर्मी जो अभी भी, वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, जो असली पावर इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी से है सर। और ये होगा क्या, उसके मुट्ठी में होने के बावजूद कुछ ना कर पा रही है, ये तो अगर इतनी ताकतवर ये आर्मी होती तो जो वो रिजल्ट्स जा रही थी वो आने चाहिए थे, और अगर वो रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो इसका मतलब आर्मी का अपना दिमाग चला ही नहीं पा रही है, हो ही नहीं पा रहा उससे कुछ। उसमें रूबिका हुआ क्या, क्योंकि अभी आर्मी के ऊपर भी प्रेशर था, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि जो इलेक्शन हुआ बिल्कुल फेयर एंड फ्री है, तो जो इलेक्शन अब वोटिंग हुई है उसमें इतनी दखल अंदाजी नहीं हुई, ये समझना पड़ेगा, तभी तो पीटीआई के ये जो अलायंस के आपके कैंडिडेट वो जीत रहे हैं, तो ये बात तो मान के चलना पड़ेगा, मगर पाकिस्तान की आर्मी ने प्रेशर पूरा डाला पीटीआई के अगेंस्ट, एक माहौल क्रिएट किया गया। कमर चीमा, मैं कमर चीमा और जनरल सिवाज दोनों स्क्रीन पर, कमर चीमा, या पाकिस्तान की आर्मी चाहती तो बहुत थी, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे उनके आगे उनकी एक ना चली और इसीलिए घुटनों के बल आ गई, दैट इज द रीजन इंडिपेंडेंट एमएलए और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी नजर आ रही है। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सियासत जमातें क्या चाहती हैं इससे कतई नजर, जो इंपॉर्टेंट चीज है अवाम क्या चाहती है, अवाम का फैसला, अगर इंडिपेंडेंस में इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करना था तो दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और फौज की जो पर्सपेक्टिव है, फौज को हम बड़े जल्दी कंक्लूजन में ले आते हैं, फौज की जारी बात है एक पाकिस्तान के सिस्टम में से मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंस का जीतना, इट मीन्स कि ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन है। 2018 का इलेक्शन में भी जो है वो रिगिंग की बात हुई थी और 2024 में भी रिगिंग की बात हुई है, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का इलेक्शन फेयर एंड फ्री है, पाकिस्तान का इलेक्शन हमेशा से ही इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं जुल्म है पाकिस्तान के साथ, और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास कभी भी एक मजबूत इलेक्शन प्रोसेस और एक इलेक्शन नहीं बना सकी, अपना ईमानदारी से आपने इस पर अपनी बात रखी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि इस दफा भी बहुत ज्यादा रिगिंग के इश्यूज आए हैं, बहुत ज्यादा, और इलेक्शन का डिले होना इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन डिले हो, लेकिन ये कहना कि ये फौज ने कराए हैं, फलां ने कराए हैं, कंक्लूजन दे देना, अगर फौज कराए तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट ही हारे ना। अमर भाई कौन रिग कर रहा है, कोई तो होगा ना, कौन गड़बड़ कर रहा है, कुछ बात देना चाहिए, इलेक्शन नहीं कर रही तो फिर कर रहा है, इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है, इलेक्शन कमीशन जवाब देना इन चीजों के। नहीं, जवाब तो वो दे देगा, पर आप चूंकि इतना डिटेल में चले ही गए तो आप बताइए ना, आप कह रहे हैं रिगिंग तो इस बार भी हुई है, हर बार होती है, ये पाकिस्तान की आवाम पर जोर है, तो रिगिंग करवा कौन रहा है, या तो नवाज करवा सकते हैं, या बिलावल भुट्टो करवा सकते हैं, या इमरान खान करवा सकते हैं, और अगर तीनों की इतनी हैसियत नहीं है तो फिर सेना करवा रही है, राइट? नहीं, पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो जब भी रिजल्ट उसके आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। 2018 में बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कहा था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अभी जो इस वक्त की जो पोजीशन है वो भी ऐसी लग रही है कि कोई बंदा इस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन समहाउ दे वांट्स टू परसू द डेमोक्रेसी, इसकी बात होती है। लेकिन कमर भाई, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि ये रिगिंग करवा कौन रहा है, Who is this entity? Who is this body? कौन है ये? देखिए रिगिंग जो होती है या इलेक्शन का जो डिले का प्रोसेस है, इसके मैकेनिज्म को एड्रेस करना या कंप्लेंट्स को एड्रेस करना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ये इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि ये कैसी चीज़ है। ईमानदारी से आप सारी बातें बोल रहे हैं, बस ये नहीं बता रहे हैं कि ये राक्षस, ये दानव, ये है कौन जो ये काम करवा रहा है। और मैं आपको थोड़ा मौका दे देती हूँ, आरजू आप मदद करेंगे कमर भाई की, कौन है, कौन ये प्रभु, कौन है जो रिगिंग करवा रहा है पाकिस्तान में, करवा रहा है, ये तो पक्का है।
सबसे बड़ी बात तो ये कि पॉपुलर लीडर की जो बात की जा रही है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो भी बहुत पॉपुलर लीडर थे, उनके साथ क्या हुआ सभी जानते हैं, किसने किया वो भी सभी जानते हैं। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लाए गए हैं, अगर इमरान खान को इसी तरह से फेयर इलेक्शंस में हिस्सा लेने की परमिशन देनी थी तो फिर इन सबको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर क्यों लाया गया है? इसीलिए ताकि जब ये इलेक्शन जीते, जो कि इन्हें मालूम था कि इमरान खान के साथ लोग हैं और जेल में जाने के बाद पॉपुलैरिटी बढ़ गई है इमरान खान की, तो जब इमरान खान के लोग जीतेंगे तो फिर ये जाकर उनको फोर्स करके, किसी तरह से प्रेशराइज करके उनको डिफरेंट पार्टीज में शामिल होने का कहेंगे। और ये क्या बात हुई कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत रहे हैं जो कि इमरान खान के, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बनाएंगे नवाज शरीफ, और कौन करवा रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, और चीमा साहब शायद बताना नहीं चाह रहे, लेकिन सबको मालूम है, बच्चा बच्चा ही जानते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है ना, अब तो कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। नहीं भाई, आप दोनों क्या आप दोनों की सिक्योरिटी की फिक्र हमको यहाँ पर है, जनरल सिवाज को भी है, जनरल सिन्हा को भी है, और मुझे भी है, आप लोग ना बोले, नहीं नहीं, अरे मुझे बहुत फिक्र है कमल चीमा साहब, मुझे बहुत फिक्र है, 51% वहाँ पर वोट डाले गए हैं और 51 धमाके हो गए हैं, 51 टेररिस्ट अटैक हो गए हैं कमर भाई, मुझे फिक्र नहीं होगी आपकी, बताइए बच के रहे आप, हमारी फिक्र ना करें आप, बीजेपी और आरएसएस से बच के रहे, बीजेपी और आरएसएस ने तो यहाँ पर, सुनिए, बीजेपी और आरएसएस ने यहाँ पर ऐसे कोई धमाके नहीं करवाए, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है बीजेपी, इलेक्टेड गवर्नमेंट है कमर चीमा साहब, हमारे यहाँ पर जब चुनाव होते हैं एक के बाद एक धमाके नहीं हो रहे होते हैं, रिगिंग नहीं हो रही होती है, और मान लीजिए ऐसा कोई आरोप कहीं पे लग रहा होता है तो फौरन वो जमाने के सामने आता है और दोबारा चुनाव के जो है आदेश दे दिए जाते हैं। और मैं बहुत साफगोई से ये बात कह रही हूं, इस वक्त पाकिस्तान में चुनाव के बीच दंगा हो गया, देखिए पाकिस्तान की पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं, और ये खबर आ रही है पाकिस्तान के सियालकोट से जहां पर दंगे भड़क गए हैं। पाकिस्तान में चुनाव में वोटों की गिनती के वक्त ये दंगे भड़कने के इस वक्त यहां पर तस्वीरें भी आ रही है, दंगे भड़कने की खबर सियालकोट में, पुलिस को हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं, और ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है कमर चीमा साहब, सियालकोट की तस्वीर है ये, तस्वीर यहां लखनऊ की नहीं है, ये तस्वीर चंडीगढ़ की नहीं है, ये पाकिस्तान के सियालकोट की है, जहां पर हालात काबू करने के लिए जनरल सिन्हा आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं।